दोस्तों आज मैं आप लोगों को हॉर्नबिल पंछी के बारे में कुछ रोचक जानकारियां दूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। इस पंछी की दुनिया भर में 55 प्रजातियां मौजूद हैं, जिनमें से भारत में इस पंछी की 9 प्रजातियां मौजूद हैं। ये पंछी एशिया, अफ्रीका और मलेशिया में पाए जाते हैं। भारत में हॉर्नबिल पंछी की ग्रे हॉर्नबिल प्रजाति पाई जाती है, जिसको भारत में धनेश के नाम से जाना जाता है। इस पंछी का आकार सभी प्रजातियों में अलग अलग होता है। इस पंछी का आकार 30 सेंटीमीटर से लेकर 4 फीट तक होता है। भारतीय हॉर्नबिल का आकार करीब 24 इंच तक होता है। इस पंछी की चोंच से इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। इस पंछी की चोंच लंबी और तोते की तरह मुड़ी हुई होती है। हॉर्नबिल पंछी 2000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ सकते हैं। ये पंछी अधिकतर हिमालय के दक्षिण और पश्चिम पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये पंछी उन क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं जहाँ पर घने जंगल और पेड़ होते हैं। इस पंछी की आवाज चील से काफी मिलती जुलती है। हॉर्नबिल पंछी अधिकतर झुंड में रहना पसंद करते हैं और कभी कभी ही अलग देखने को मिलते हैं। इस पंछी की चोंच इतनी मजबूत होती है कि वो आसानी से कठफोड़वा की तरह ही पेड़ में बिल बना लेती है और इसकी यही चोंच उनको शिकार करने में भी अधिक मददगार होती है। ये पंछी सब कुछ खाता है, मतलब कि ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। कुछ पंछी शाकाहारी होते हैं। खुले मैदान में रहने वाले हॉर्नबिल सर्वाहारी होते हैं। मादा हॉर्नबिल 2 से 6 अंडे देती है। ये अपने बिल में ही अंडे देती है और जब तक बच्चे बड़े न हो जाए तब तक वो अपने बच्चों के साथ पेड़ के बिल में ही रहती है। जैसा कि हर पंछियों के साथ होता है, इसी तरह हॉर्नबिल के साथ हो रहा है। इस पंछी की संख्या तेजी से कम हो रही है क्योंकि लोग बहुत ही ज्यादा मात्रा में इसका शिकार करते हैं। ऐसा चलता रहा तो जल्द ही ये पंछी भी विलुप्त पंछियों की श्रेणी में आ जाएगा। अगर इनका शिकार ना किया जाए तो ये पंछी 20 से 50 साल तक जीवित रह सकता है। हॉर्नबिल पंछी अधिकतर घने जंगल में रहना पसंद करते हैं। तो मैंने आपको हॉर्नबिल पंछी के बारे में कुछ रोचक जानकारियां दी। तो ऐसी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।